हेलो एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो इसमें हम जो बेसिकली जो फोकस करेंगे जो हमारा पॉइंट होगा डिस्कशन का दैट विल बी कन्फाइंड टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पार्ट ठीक है बाकी जो भी है बाकी फैक्चुअल चीज़ की सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ ऑर्डिनेंस पावर कब से स्टार्ट हुई ये सब फैक्चुअल चीज़ें दैट यू कैन रिमेंबर ओके तो जब ये पॉइंट आई है आपको याद करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर वाले पार्ट को तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंप्लीफाई राइट तो एक बार देखते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है उसके दो ऑर्गर हमें पता है एक एग्जीक्यूटिव एक और एकजि एक लेजिस्लेचर लेकिन जो हमारा जो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था सेवनटीन का उसके अंदर लेजिस्लेचर का कोई भी जिक्र नहीं था सिर्फ एग्जीक्यूटिव का था और उस एग्जीक्यूटिव में कौन था एक था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो भी थे वर्न हेस्टिंग और चार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो जो ये पांच आदमी बैठ के अभी एक एक मुद्दे के ऊपर पांच आदमी बैठे हैं एक दो तो, एक तो, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगल हो गया वेरन हेस्टिंग और चार ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गए तो ये पांच बंदे एक ही चीज़ के ऊपर ये बोलता है मेरी चलेगी मैं सुप्री, मैं सुप्रीम हूँ ये बोलता मैं सुप्रीम हूँ ये बोलता मैं सुप्रीम हूँ सो तो देर वॉज ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइट तो फिर इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने इसके अंदर अमेंडमेंट लेके आए फिर लेके आते हैं सत्रह सौ चौरासी का पिट्स इंडिया एक्ट उसके अंदर उन्होंने पावर्स को डिवाइड कर दिया जैसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखिएगा कमर्शियल फंक्शन और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो पॉलिटिकल रिवेन्यू ठीक है ना सारे डिफेंस वाले सारे तो जो मेन मेन पावर वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास है और जो ये कमर्शियल फंक्शन है किसके ईस्ट इंडिया कंपनी के क्योंकि हम सारा रेफरेंस ईस्ट इंडिया कंपनी के रेफरेंस में ले रहे हैं और ये सारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कब अबोलिश करके सारा फंक्शन इंग्लैंड सरकार के हाथ में आ गया था अठारह में ठीक है इसके बाद सारा का सारा काम भारत जो जितने भी पॉलिटिकल लीगेसिज चल रही थी भारत के अंदर तो सारी सारी ब्रिटिश कंट्रोल्ड थी राइट तो अब हम देखते हैं हम अपना जो फोकस है सारा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऊपर रखते हैं ठीक है तो हमें हमने देखा अभी कि जो सरकार होती है उसके अंदर दो ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर लेकिन सत्रह सौ तिहत्तर के अंदर सिर्फ एग्जीक्यूटिव पार्ट था जिसको हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया ठीक है और फिर ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह जो भी था इसको इसको अबोलिश कर दिया अठारह में और इसके बाद दो पोस्ट बना दी वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ठीक है वॉइस रॉय जो भी हमारे गवर्नर जनरल बेंगोल था ये बीच में बनता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फिर ये बनता है वॉयस ऑफ इंडिया वॉइस ऑफ इंडिया तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो सबसे पहले कौन था बताओ लॉर्ड विलियम बैंटिक और वॉइस कौन था लॉर्ड कैनिंग ठीक है तो ये देखो सत्रह वाला जो केस था जो एग्जीक्यूटिव सिर्फ एग्जीक्यूटिव वॉज द लॉ मेकिंग बॉडी अब ये चीज़ अठारह के चार्टर एक्ट में दो बॉडी बना दी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और लेजिस्लेचर इन दोनों को अलग अलग कर दिया कि भाई अब से लॉ मेकिंग बॉडी कौन होगी लेजिस्लेचर ये कब किया गया अठारह के अंदर ठीक है जो नेक्स्ट एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट अठारह उसके अंदर जो लेजिस्लेचर था जो ये लेजिस्लेचर इसके हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर छः वे थी क्या बोलते हैं मेंबर्स लगा लो जैसे अभी हमारे पार्लियामेंट में फ़ाइव फाइव टू हैं टोटल स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो उस टाइम पे सिर्फ छः स्ट्रेंथ थी ठीक है ये सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं हम फिर जो ये अठारह सौ इकसठ का आया था इंडियन काउंसिल एक्ट उसके अंदर ये स्टेट यानी कि प्रोविंशियल के अंदर भी इसको अलाउ कर दिया कि जो लेजिस्लेचर होगी आपकी ये प्रोविंस में भी होगी ठीक है फिर देखो ये सी फोर सेंटर एंड पी आर ओ वी डॉट मतलब प्रोविंसेस तो जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है तिरपन में लेजिस्लेचर के एम इंट्रूबिंग की लेजिस्लेचर होगी इकसठ में स्टेट के अंदर भी होगी अठारह सौ बानवे जो आया उसके अंदर इन्होंने स्ट्रेंथ तो बढ़ा दी सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी जो स्ट्रेंथ थी मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी दैट इंक्रीज लेकिन वहाँ पे पॉइंट ये है दिस एरोस कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ी लेकिन जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी संख्या मेजोरिटी थी तो मतलब जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी दैट वाज मेंटेन्ड एट सेंटर ऑल्सो एट प्रोविंशियल ऑल्सो अब मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जो अगला जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको हम मोरले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं उसमें जो ये हमारा सेंटर वाला था सेंट्रल जो लेजिस्लेचर थी इसके अंदर ऑफिशियल मेजोरिटी तो इस ये तो पहले भी थी इसके अंदर इसको तो अलाउ कर दिया मतलब ये दिस दिस विल बी कंटिन्यूड लेकिन जो प्रोविंशियल था इसके अंदर उन्होंने नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी को अलाउ कर दिया so, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ इसको मैं कि जो ये अठारह सौ बानवे के अंदर क्या था जो सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे संख्या बढ़ाई लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी वॉज मेंटेन्ड इन बोथ द लेवल एट सेंट्रल लेवल आल्सो एट प्रोविंशियल लेवल आल्सो बट इन नाइनटीन जीरो नाइन बाई द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ नाइनटीन जीरो नाइन जिसको हम मॉर्मेंट रिफॉर्म भी बोलते हैं उसमें सेंट्रल वाली तो कीप दे मेंट बट इन द प्रोविशल लेवल उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ कर दिया ठीक है नेक्स्ट पॉइंट अब ये सेंट्रल लेवल पे भी बन चुकी है और ये लेवल पे भी बन रही है स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है मेजोरिटी भी डिसाइड हो गई है अब इन्होंने क्या किया जो सेंट्रल लेवल पे जो भी हमारी जो चल रही है अभी एट प्रेजेंट पार्लियामेंट के जो अपर हाउस है एंड लोअर हाउस है राज्यसभा एंड लोकसभा रिस्पेक्टिवली तो नाइनटीन जीरो नाइन इसका ऐसा सॉरी नाइनटीन नाइनटीन उन्नीस सौ उन्नीस इसमें उन्नीस दो बार आ गया ना तो इसके आप ऐसे याद कर सकते हो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ है बाई कैमरिलिज्म एंड डाईआर की सिस्टम ये यू ने पूछा था कि डाईआर की का मतलब क्या होता है ठीक है जो नाइनटीन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आई थी जिसका मोन्टेस की फोर्ट रिफॉर्म्स भी बोलते हैं तो ये पूछा था डायर की होती क्या है अब मैं बताता हूँ आपको डायर की क्या होती है लेकिन पहले ये पॉइंट देखो कि जो सेंट्रल लेवल पे जो ये लेजिस्लेचर था इसके दो भाग कर दिए अपर हाउस एंड लोअर हाउस तो मतलब बाई कैमरलिजम सिस्टम स्टार्ट हो गया 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ठीक है अब ये डायर की क्या होती है डायर की होती है कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हमारे लैंड लेंड लैंड है रिवेन्यू है ठीक है डिफेंस है कम्युनिकेशन है तो जो ये सब्जेक्ट्स हमारे जो भी हमें अभी पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट सेंट्रल लिस्ट जो सब्जेक्ट्स है ना वो तो उन सब्जेक्ट्स को दो भागों में बांट दिया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे कौन डील करेगा जो गवर्नर होगा वहाँ का गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर चलेगा लेकिन जो ट्रांसफर्ड है वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट सारे जो भी हमारी पार्लियामेंट बनेगी वो डिस्कशन करेगी ठीक है लैंड सॉरी एजुकेशन पॉलिसी होगी मतलब बाकी सारे जो आम डेली रूटीन के काम है सारे वो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं एक्सटर्नल अफेयर्स वो सारे रिजॉर्व सब्जेक्ट के अंदर आ, आते थे थी, ठीक है तो जो डायर थी ये दोनों दोनों लेवल पे थी एट सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डायर थी ये किस लेवल के ऊपर ऑपरेट करती थी एट सेंट्रल लेवल और एट प्रोविंशियल लेवल तो जो डायर थी दोनों लेवल पे थी सेंटर पे भी और प्रोविंशियल पे भी 1919 सौ एक्ट के तहत और डायर क्या होती है अभी बताया मैंने ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट अब नेक्स्ट पॉइंट देखो जो ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है इसमें इन्होंने जो सेंट्रल लेवल पे जो डायर की चल रही थी इसको तो कंटिन्यू कर दिया लेकिन जो प्रोविंशियल लेवल के थी इसको इन्होंने अबोलिश कर दिया तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि डायर की वो जो बोलिस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन उसके तहत डायर की वो जो बॉलिस्ट इन प्रोविंस ऑप्शन ए प्रोविंशियल लेवल एट सेंट्रल लेवल और इट कम्प्लीटली रिमूव मतलब सेंट्रल से भी हटा दी और प्रोविंशियल लेवल से भी तो इसका ऑप्शन क्या आएगा ओनली प्रोविंशियल लेवल पे जो डायर की थी दैट वाज वॉजिस्ट एंड एट द लेवल ऑफ सेंट्रल इट वाज कंटिन्यूड ठीक है सो दिस वाज द बेसिक यू कैन से हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट यू कैन से द अपर हाउस एंड लोअर हाउस कब कब कहाँ पे लेजिस्लेचर आया लेकिन अब आपको याद रखना ये अठारह से पहले तक इससे पहले तक लेजिस्लेचर का कोई नामो निशान नहीं था ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो गवर्नर जनरल था ठीक है तिरपन से पहले क्या था अठारह सौ तैंतीस था ना तैंतीस उसमें हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी जो गवर्नर ऑफ नॉट गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जो विलियम बैंटिक ही वॉज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ठीक है वही लॉ बनाएगा लेजिस्लेचर का कोई मतलब ही नहीं था तो जो अब से अब जो ये क्वेश्चन ये यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो लेजिस्लेचर का जो कंसेप्ट है वो किस पॉइंट के बाद आया तो इट केम्स आफ्टर दी चार्टर एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी थ्री राइट तो इस वीडियो में इतना ही है सी इन द नेक्स्ट टिल देन. टेक केयर बाय बाय